जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जितनी भी आपके बुक्स में थ्योरी है जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी थ्योरी मैं आपको कवर करा दूंगा इन छुट्टियों में, है ना। जो इंग्लिश से मैथ्स या फिजिकल एजुकेशन के बीच की छुट्टियां हैं, थ्योरी कवर कर लेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर सब करेंगे। पार्टनरशिप की वन शॉट आपको मिल चुकी है, राइट। शेयर्स की वन शॉट ऑलरेडी आपके पास है। डिबेंचर्स की थ्योरी आपके पास है। थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट आपके पास है। थर्ड बुक के सेकंड चैप्टर का वन शॉट आपके पास है। आज हम बची हुई जो अकाउंटिंग रेशियोज की थ्योरी है उसको कवर करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग रेशियो से 3 मार्क्स की थ्योरी आपकी आ सकती है। अगर आपने देखा हो तो सैम्पल पेपर में भी, जो CBSE का सैम्पल पेपर था, उसमें 3 मार्कर क्वेश्चन था अकाउंटिंग रेशियोज की थ्योरी का। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे 3 मार्क्स की थ्योरी डेफिनेटली बन सकती है। तो आज हम क्या करेंगे, पूरी थ्योरी को कवर करेंगे, है ना। मैंने थ्योरी की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, सारे के सारे चैप्टर्स मैंने एक साथ डाल दिए, वो भी आप चेक कर सकते हो। और आज हम करते हैं इसको, देखो फटाफट से आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो थ्योरी के मैंने नोट्स बनाए हैं, ये पूरे के पूरे नोट्स मैंने NCERT से बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि CBSE में कई बार ऐसा होता है कि NCERT से ही आपका कोई लाइन उठा देंगे और उसके बेस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। तो पूरी थ्योरी जो मैंने बनाई है, देखो आपकी TS और DK ऑलरेडी कवर्ड है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही आपको इसमें मिलेगा। NCERT में थोड़ा एक्स्ट्रा ही होता है थ्योरी, राइट। देखो सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियोज का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, कि क्या होता है सर, रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स, टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर्स के बीच का रिलेशन, ऑफ कोर्स दैट इज अकाउंटिंग रेशियो। और अकाउंटिंग की जब मैं बात कर रहा हूं तो कौन से दो नंबर्स सर, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के या बैलेंस शीट के, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में अगर मैं दो नंबर ले लूं, उनके बीच का कोई रिश्ता निकाल दूं, थोड़ा सेंसिबल रिश्ता, राइट, जिससे कुछ ना कुछ तो आप डिराइव कर रहे हो, दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज, हमने पढ़ रखा है बिल्कुल। अब उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके TS और DK में नहीं है लेकिन आपके NCERT में है, और आई थिंक एक आधी बार पहले बोर्ड्स में क्वेश्चन भी आ चुका है, कि रेशियोज को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। आपने पढ़ा है लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी, नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। रेशियोज को दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं सर। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है ट्रेडिशनल और फंक्शनल। आपने जो पढ़ा है अभी तक, जो आपको पता है वो आपको फंक्शनल क्लासिफिकेशन पता है। जो आपको 4 टाइप पता है वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है जरा उसको समझते हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप की रेशियोज होती है। सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज। नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज का मतलब ये है कि जो आप दो नंबर्स ले रहे हो, रेशियोज में आपको दो नंबर चाहिए, वो दोनों ही नंबर्स आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से हैं। क्या है, दोनों ही नंबर। हाँ जी सर, ऐसी कौन सी रेशियो होती है जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, ग्रॉस प्रॉफिट GP अपॉन में रेवेन्यू, दोनों ही आपके प्रॉफिट एंड लॉस के, बिल्कुल। ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, इन सब को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। एब्सोल्युटली यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे इसको करके नहीं जाते, है ना। बोथ द वेरिएबल्स आर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट रेशियोज, अगेन सिंपल, अगर दोनों वेरिएबल्स, दोनों नंबर्स आपके बैलेंस शीट से हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट रेशियोज। बहुत सारे हैं, जैसे आपने पढ़ा लिक्विडिटी रेशियोज, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट है दोनों के दोनों, है ना। आपने सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़ी, डेट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, ये सारी आपके क्या है, बैलेंस शीट रेशियोज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ वेरिएबल्स आर फ्रॉम द बैलेंस शीट, उनको हम बोलते हैं बैलेंस शीट रेशियोज। और आते हैं कॉम्पोजिट रेशियो, मतलब एक नंबर पीएनएल का उठाया, एक आपने बैलेंस शीट का उठाया। सर ये कौन से होते हैं, बहुत सारे आपके इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सर, जैसे कि आपका हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मुझे बताओ क्या क्या लेते हो, इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, और आपका COGS। COGS हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का, इन्वेंट्री हो गई आपकी बैलेंस शीट की। तो जहां पे आपका, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जहां पे एक वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक नंबर, वन वेरिएबल फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ PNL, अनदर वेरिएबल फ्रॉम द बैलेंस शीट, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट रेशियो, बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। ये हो गई हमारी ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल पुरानी क्लासिफिकेशन। जो नई क्लासिफिकेशन है वो क्या है सर, वो है आपकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन, जो आपको पता है लिक्विडिटी रेशियोज। हाँ जी, जो आपको क्या बताती है, आपको बताती है कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजिशन, कि क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे करने के केपेबल है या नहीं। इसमें दो रेशियोज आती है, करंट रेशियो CA/CL, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। दूसरी आपकी लिक्विड रेशियो, क्विक एसेट रेशियो, अलग अलग इसके नाम है, राइट। क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड रेशियो, क्विक
क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, बहुत अलग अलग नाम है इसके। फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसिड्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। प्रैक्टिकल पार्ट हम आराम से बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज, सॉल्वेंसी मतलब आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, क्या कंपनी अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज को पे करने के केपेबल है, क्या उसके पास उतने एसेट्स हैं, उतने रिसोर्सेज हैं उसको पे करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। इसमें आपके क्या क्या आते हैं सर? इसमें आपके आएंगे डेट टू इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, करेक्ट। टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट अपॉन में डेट। जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं डेट, तो डेट का मतलब यहां पे क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। यहां पे जो मैं डेट वर्ड यूज कर रहा हूं इसका मतलब क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि यहां पे हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। एब्सोल्युटली यस। ऑलराइट, ये आपके एग्जांपल्स हैं। इंटरेस्ट कवरेज प्रोपर्टी रेशियो आपको पता ही है। देन आपका क्लासिफिकेशन आता है एक्टिविटी रेशियोज का, टर्नओवर रेशियोज, कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितने एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। एब्सोल्युटली। अलग अलग रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल, और जो नई रेशियोज हैं वो भी इसमें आ जाएंगी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, बहुत सारी अलग अलग रेशियो, जीपी रेशियो, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट वाली, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रैक्टिकल पार्ट में आपको डिटेल में भी करवा चुका हूं, आपको वन शॉट में भी करवा चुका हूं। रेशियोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, सब कुछ दे रखे हैं। आज की क्लास थ्योरी करेंगे, ठीक है सर। अब जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो मेनली जो 3 मार्कर क्वेश्चन है वो 3 टॉपिक से बन सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा एडवांटेजेस, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस। ये तीनों हमें ध्यान से देखने हैं। इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, फटाफट से हम इसको कवर कर लेंगे। आ जाओ फटाफट से सर। ऑब्जेक्टिव, ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके एनसीईआरटी के हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वेरी वेरी इजी। आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है, आपके पास बैलेंस शीट है, ऑफकोर्स बेटा क्या करूं इसका, कुछ तो मुझे इसमें से इन्फॉर्मेशन डिराइव करनी पड़ेगी। हाँ है ना, एक पेपर से कुछ नहीं हो रहा, यस और नो, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा। और रेशियो एनालिसिस में क्या होता है? 2 नंबर्स का रिश्ता निकालना है ना। अगर मैं लिक्विड रेशियो निकाल रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है। बिल्कुल सही। प्रॉफिटेबिलिटी देख रहा हूं तो कंपनी अपने क्या सारे के सारे रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज कर रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ये सारी चीजें आप रेशियो से ही निकाल सकते हो। सिंपल खाली प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से या बैलेंस शीट बनाने से कुछ खास आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू नो द एरियाज ऑफ बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। सर मतलब जैसे आपने कोई रेशियो निकाली, लेट्स से आपने निकाली लिक्विड रेशियो। हाँ, आपको पता है करंट रेशियो की आइडियल रेशियो क्या होती है? 2:1। मान लो आपकी कितनी आ रही है? 10:1, या आपकी आ रही है 0.5:1। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यस और नो, राइट? तो जो रेशियोज या तो बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत कम आ रही है, सर उनको मुझे ज्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी। बिल्कुल देनी पड़ेगी, कुछ तो दिक्कत है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपकी ईयर बाय ईयर कम हो रही है, हर साल कम हो रही है, दिक्कत की बात है, जरा चेक करो क्यों आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है, देखना पड़ेगा। तो रेशियोस निकाल के ही मुझे पता चलेगा कि कहां पे मुझे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है, करेक्ट। देन टू प्रोवाइड अ डीपर एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी, ये चारों टाइप की रेशियोस निकालूंगा तो मुझे ये 4 चीजें पता चलेंगी, करेक्ट। देन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग कंपैरेटिव एनालिसिस। सर कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? बेटा आपके सिलेबस में एक चैप्टर था पहले, जो अब कट गया है, फ्री का चैप्टर होता था, जहां पे मैं क्या बनाता था? कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, राइट? कंपैरिजन करता था अपने इस करंट ईयर के परफॉर्मेंस को पिछले साल के परफॉर्मेंस से, राइट? ठीक है, तो ये कैसे हो पा रहा है सर, ये कैसे हो सकता है? ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने इस साल अपनी जीपी रेशियो निकाली, पिछले साल की जीपी रेशियो को देखा, ये सुनो, उसको कंपेयर किया, उसको कंपेयर करने से पता चलेगा कि भाई इस साल मैंने किस तरीके से परफॉर्म किया है, ये सुनो, बिल्कुल सही बात है। तो सारी रेशियोज को जब मैं कंपेयर करता हूं अपने ही बिजनेस से, बाकी और बिजनेसेस से, ये सुनो, जब बाकी जो मेरे इंडस्ट्री में और बिजनेस होते हैं, कंपेटिटर्स होते हैं, उनसे कंपेयर करता हूं, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं परफॉर्म कैसे कर रहा हूं, यस नो, राइट? बाय कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद द बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, कि भाई आपके इंडस्ट्री में बेस्ट कौन है। मान लो कोई भी कंपनी आप ले सकते हो, जैसे अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की, तो टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, ये सारी क्या है? आईटी सेक्टर में। तो ये हम देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में बेस्ट प्लेयर कौन सा है, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस उससे कंपेयर कर सकता हूं कि मुझे कहां और इंप्रूव करने की जरूरत है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं रेशियोस निकालूंगा, करेक्ट। लास्ट हमारा क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोजेक्शंस एंड एस्टिमेट्स। आपको पता है, आपने कई बार सुना होगा ना कि ये कंपनी $1 बिलियन की है, $1 मिलियन, ये वैल्यूएशन।
वैल्यूएशन है ना, ये वैल्यू कैसे निकलती है? वैल्यू निकलती है जब मैं अपने फ्यूचर के क्या करता हूँ, फ्यूचर के परफॉर्मेंसेस को प्रिडिक्ट करता हूँ, उसको यूज करके हम वैल्यूएशन निकालते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पिछले 2-3 साल का डेटा देखा, आपने ट्रेंड देखा कि आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो हर साल आपकी बढ़ रही है, हाँ, तो आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हो कि अगले साल भी बढ़ेगी, हाँ, तो मुझे फॉरकास्टिंग करने में हेल्प मिल जाती है ना, कि मैं फॉरकास्ट कर सकता हूँ कि सुनो अगले साल भी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, राइट? ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगेन रेशियो एनालिसिस से। तो 5 हमने क्या पढ़ ली? एनालिसिस। क्वेश्चन क्या आ सकता है आपसे? कोई भी वो 3 ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि बताओ 3 ऑब्जेक्टिव बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है। देन आते हैं एडवांटेजेस पे, अगेन वेरी वेरी इजी टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। सर देखो, रेशियो एनालिसिस के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन एक लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी हुई थी जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, आपके बुक में नहीं है, वो क्या है ध्यान से देखो। इट मस्ट बी एम्फसाइज, मतलब इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, दैट रेशियोज आर मीन्स टू एन एंड रेदर देन द एंड इन इट देमसेल्व्स। क्या लाइन लिखी है, ओहो मजा ही आ गया है ना। सर क्या लिखा है? रेशियोज आर मीन्स टू एन एंड रेदर देन द एंड इन देमसेल्व्स। क्या मतलब है, ध्यान से मेरी बात सुनो। रेशियोज निकालने का पर्पस क्या है? कि मुझे इंप्रूव करना है, है ना। सर मैं एनालिसिस क्यों करता हूं? ताकि मैं अगले साल अपनी वीकनेस पे काम कर सकूं, अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बेटर कर सकूं। यस नो? तभी हम चीजों को एनालिसिस करते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि भाई एनालिसिस करो, सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करते टाइम एनालिसिस करो, कौन सा चैप्टर में दिक्कत हो रही है उस पर काम करेंगे, इसको ही तो बोलते हैं एनालिसिस करना। हाँ, तो क्या बोला है? रेशियोज आर मीन्स टू एन एंड। मीन्स का मतलब एक जरिया है। सर एक जरिया है किसके लिए? इंप्रूव करने के लिए। एंड मतलब डेस्टिनेशन, राइट? तो मींस टू एन एंड, डेस्टिनेशन क्या है सर? कि मुझे हमेशा ग्रो करना है। हाँ, तो रेशियो एनालिसिस से क्या होता है सर? मुझे एक डायरेक्शन मिल जाती है कि मुझे कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा, क्या पढ़ा? कि मुझे रेशियो एनालिसिस से पता चलता है कि मुझे अटेंशन कहां पे देनी है। एब्सोल्युटली यस। तो इन्होंने क्या बोला? रेशियोज आर मींस टू एन एंड रेदर देन द एंड इन देमसेल्फ। देखो सिंपल सी बात है, रेशियोस निकाल के आपने कुछ अचीव नहीं कर लिया कि देखो देखो मैंने रेशियोस निकाल ली बस काम खत्म। नहीं, वो एंड नहीं है, राइट? वो मेरी डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन क्या है? कि मुझे ग्रो करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, रेशियोस को इंप्रूव करना है, कंपनी को इंप्रूव करना है, यस नो? प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है। एब्सोल्युटली यस। रेशियोस हेल्प करती है वो अचीव करने के लिए। बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है सर, ओके। देखो यहां पे क्या लिखा है, देयर रोल इज एसेंशियली, देखो नेक्स्ट लाइन, देखो क्या लाइन लिखी है, मजा ही आ जाएगा। सर हाइलाइटर चाहिए मुझे। देखो, दिस रोल इज एसेंशियली इंडिकेटिव ऑफ दैट ऑफ अ विसल ब्लोअर। सर विसल ब्लोअर क्या करता है? आपको बताता है कि देखो यहां पे दिक्कत है, ये गलत हो रहा है। हाँ, तो विसल ब्लोअर का काम करती है रेशियो एनालिसिस, कि भाई संभाल लो, डेट इक्विटी बहुत ज्यादा हो गई, गलत है, डेट अगर ज्यादा हो जाएंगे कंपनी डेंजर में आ जाएगी, हाँ तो संभाल लो अपने आप को। Yes or no? तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है। बिल्कुल, डेटर टर्नओवर रेशियो बहुत कम हो गई, बात समझ रहे हो? आपका डेट कलेक्शन पीरियड बहुत कम हो रहा है, इसका मतलब डेटर से पैसा कलेक्ट नहीं हो रहा। बहुत सारी चीजें ये देखनी पड़ती है। तो रेशियोस एक विसल ब्लोअर का काम करते हैं कि जाग जाओ, गड़बड़ चल रही है, राइट? ठीक है, आ जाओ। देयर आर मेनी एडवांटेजेस। हाँ जी, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ध्यान से देखते हैं। पहला, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एफिशिएंसी ऑफ डिसीजंस। ऑफ कोर्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। कंपनी में आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, अलग अलग टाइप के डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन, ऑपरेटिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। हाँ, तो अगर आप ये तीनों डिसीजन बढ़िया तरीके से ले रहे हो, जैसे फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कि आपने लोन कितना लेना है, इक्विटी शेयर्स कितने इशू करने हैं, हाँ, अगर ये डिसीजन सही लिया होगा तो आपका डेट इक्विटी अच्छा आया होगा, आपकी डेट इक्विटी रेशियो सही आई होगी, बात तो सही है। इन्वेस्टिंग सही लिया होगा तो टोटल एसेट टू डेट सही होंगे, शेयर होल्डर्स जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो भी सही होगा, बात समझ में आ रही है? यस नो? ऑपरेटिंग डिसीजन सही होंगे तो सर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सही होगी, आपकी जीपी रेशियो, एनपी रेशियो सही होगी। हाँ, तो क्या हुआ सर, इससे मुझे पता चल जाएगा, जब मैं रेशियो एनालिसिस निकालता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि बिजनेस ने पूरे साल में डिसीजन कितने एफिशिएंटली लिए हैं। अगर आपकी रेशियो सही आ रही है, आइडियली सही आ रही है, इंडस्ट्री के एवरेज के अकॉर्डिंग आ रही है, इसका मतलब आपने डिसीजन बहुत बढ़िया लिए हैं। देखो ध्यान से देखो, This ratio analysis helps you to understand whether the business firm has taken the right kind of operating, investing, financing. ये सारे decision आपने सही लिए हैं या नहीं, ये operating, investing and financing decision. Of course, बात समझ में आ गई, ठीक है। Second, simplify the complex figures and establish the relationship. बिल्कुल सही, मैंने आपको क्या बोला कि profit and loss और balance sheet किसको समझ में आ रही है? सिर्फ आप ही को तो आ रही है जिन्होंने commerce पढ़ा है। हाँ,
सर क्या सारे ऑन्ट्रप्रेन्योर्स जो होते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, सब कॉमर्स के होते हैं? नहीं बेटा, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं तो उनके लिए हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और रेशियोज वो काम करती है। जब आप रेशियोज निकालते हो, उनको बताते हो कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना है, हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो ये है, बात समझ में आई, हमारी डेट इक्विटी रेशियो ये है, वो उनको समझ में आती है बातें। अच्छा ठीक है सर। देखो, रेशियोज हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग फिगर्स, ऑफ कोर्स दे हेल्प समराइज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई कंपैरिजन में रेशियोज बहुत काम आती है। हाँ जी सर, बहुत ही ज्यादा काम आती है। यस और नो, पिछले साल के रेशियोज को इस साल से कंपेयर करेंगे, इस साल की रेशियोज को इंडस्ट्री के बेस्ट जो परफॉर्मेंसेज हैं उनसे कंपेयर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आइडियल रेशियो से कंपेयर करना, एब्सोल्युटली यस, तभी पता चलेगा कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। देखो, दीज रेशियोज आर द रेशियोज आर नॉट टू बी कैलकुलेटेड फॉर वन ईयर ओनली। आपको दो, आप हर साल निकालते हो? हाँ जी हर साल निकालते हैं। देखो, दे हेल्प इन ग्रेट डील इन एक्सप्लोरिंग द ट्रेंड्स विजिबल इन द बिजनेस। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जीपी रेशियो या आपका एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हर साल गिर रहा है, बेटा आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो ना। हर साल कैसे गिर सकता है, गलत बात है, है ना, नहीं गिरना चाहिए। तो ट्रेंड आपको बता देगा, बात समझ रहे हो, राइट? तो ट्रेंड अगर आपका सही जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अच्छी जगह जा रहा है, तो इसका मतलब आप बढ़िया काम कर रहे हो। आ जाओ, द नॉलेज ऑफ ट्रेंड हेल्प्स इन मेकिंग प्रोजेक्शंस। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोजेक्शंस में भी हेल्प करेगा। अगर आपका हर साल मान लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 5% से बढ़ रहा है, 10% से बढ़ रहा है, हाँ तो बहुत बढ़िया, तो मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूं कि अगले साल भी मेरा 5 या 10% से बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज। अगेन सेम चीज कि भाई रेशियो एनालिसिस मुझे हेल्प करेगा अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जहां पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। मेन पर्पस ही वही है, हमारे ऑब्जेक्टिव में भी यही आया था कि रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि मैं अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकूं। ऑफ कोर्स वही मेरे एडवांटेज में भी आ चुका है। देखो, रेशियोज हेल्प बिजनेस इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एरियाज, यस सर यस, एज वेल एज द ब्राइट एरियाज। ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही आपको वो बताता है ना। प्रॉब्लम एरियाज वुड नीड मोर अटेंशन, यस सर, और ब्राइट एरियाज को हम और ब्राइट करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, वेरियस कंपैरिजंस। सर वेरियस कंपैरिजंस हमने थर्ड बुक के सेकंड चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग कंपैरिजंस पढ़े हैं, आपने देख लिया ना बेटा वो चैप्टर, नहीं तो प्लेलिस्ट में सब कुछ डाल रखा, जाके देख लो, राइट। सर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका होता है सर टाइम सीरीज एनालिसिस, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस। सर मतलब देखो, टाइम सीरीज का मतलब होता है जब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना परफॉर्मेंस अपने ही परफॉर्मेंस से मेजर कर रहा हूँ। सर मतलब अपने ही बिजनेस से कंपैरिजन, अलग अलग सालों का, पिछले साल का इस साल से कंपैरिजन, कि पिछले साल के कंपैरिजन में मैंने इस साल कैसे परफॉर्म किया, उसको हमने क्या बोला था, इंट्रा फर्म या टाइम सीरीज एनालिसिस, राइट। और दूसरा क्या होता है, जब मैं बाकी फर्म से, बाकी बिजनेस से कंपेयर कर रहा हूँ, इंटर फर्म क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, अपनी परफॉर्मेंस किसी और से कंपेयर करना, हाँ वो मैं तभी कर सकता हूँ जब मैंने एनालिसिस प्रॉपर किया हो, रेशियोज प्रॉपर निकाली हो। मुझे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को दूसरे से कंपेयर करना है, हाँ, कि मेरी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है, मैंने इस साल कैसा परफॉर्म किया, तो मैं अपने कंपेटिटर से क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, और वो तभी पॉसिबल है जब रेशियोज निकालोगे। यस और नो, तो ये एडवांटेज हो गया, बिल्कुल एडवांटेज हो गया कि रेशियोज निकालने से आप बहुत सारे कंपैरिजंस कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस, बहुत ही ज्यादा आसान। अब आते हैं मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिटेशन। और आपकी बुक में बहुत ही कम लिमिटेशन दे रखी है, एनसीईआरटी में तो 10 लिमिटेशन है, तो हम 10 के 10 ही क्या करने वाले हैं सर, 10 के 10 यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आ जाओ। यस सर, सबसे पहले बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो हम पहले पढ़ने वाले हैं वो कौन से लिमिटेशन हैं, विच अराइज प्राइमरली आउट ऑफ नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मतलब है इसका, देखो आपको पता है, आपने 11th में ये बात पढ़ी थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं। अब क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया, उसमें ही इतने सारे लिमिटेशंस हैं, तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करके रेशियोज बना रहे हो, तो रेशियोज में भी तो वही लिमिटेशन आ जाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या बोला एनसीईआरटी में, आपको बोल रहा है कि द लिमिटेशंस विच अराइज प्राइमरली फ्रॉम द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्या है, सबसे पहला लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। जो आपके पास अकाउंटिंग डेटा है, अरे उसी में दिक्कत है। उसमें दिक्कत क्यों है, क्योंकि बेटा अगर आपको याद हो, अकाउंटिंग करते टाइम आप बहुत सारे एजम्पशंस को यूज करते हो। अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब क्या थे, एजम्पशंस, आप अपनी पर्सनल जजमेंट को यूज करते हो। सर क्यों, आपको पता है इन्वेंट्री को निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं,
डेप्रिसिएशन को निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। हाँ जी, प्रोविजंस मेंटेन करना कि प्रोविजन कितने परसेंट बनाना है, सर अगेन आपकी पर्सनल जजमेंट होती है। ऑफ कोर्स रिजर्व क्रिएट करना है नहीं करना आपकी पर्सनल जजमेंट है, बात समझ में आई? तो क्योंकि ये पर्सनल जजमेंट जहां पे आ जाती है, जहां पे आपकी जजमेंट आ जाएगी वहां पे कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाती है कि मुझे अपने बिजनेस को अच्छा दिखाना है ना, तो वही लिमिटेशन आपके रेशियो एनालिसिस में भी आ जाएगी। देखो ध्यान से सर, आ जाओ देखो, इट इज मेयरली एन ओपिनियन ऑफ, देखो ध्यान से, मेयरली एन ओपिनियन ऑफ द अकाउंटेंट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर आपके बिजनेस की बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है, हाँ, कि मुझे डेप्रिसिएशन का ये वाला मेथड यूज करना है, प्रोविजन इतना बनाना है, अकाउंटिंग मुझे जो इन्वेंट्री की करनी है वो इस तरीके से करनी है। आपको पता होगा शायद कि इन्वेंट्री को निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, आपने सुना हो तो, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, ये सब। तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो अपनी जजमेंट को यूज करके, बिल्कुल सही। तो द साउंडनेस ऑफ द जजमेंट नेसेसरी डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटेंस एंड द इंटीग्रिटी ऑफ दोस हु मेक देम। सर मतलब बेटा, अगर कोई अकाउंटेंट अपनी जजमेंट यूज कर रहा है, हाँ, तो वो क्या होना चाहिए सर, वो एक तो क्वालिफाइड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी जजमेंट यूज करेगा उसी तरीके से आपकी अकाउंटिंग होने वाली है, बात समझ में आई? तो अकाउंटिंग डेटा में ही बड़ी दिक्कतें हैं, यस सर, बहुत दिक्कतें हैं, और इसीलिए रेशियोस भी क्या है, रेशियोस विल ऑल्सो नॉट गिव द ट्रू पिक्चर। अगर अकाउंटिंग आपने अपनी जजमेंट्स के बेस पे करी है, उसमें आपने कुछ बायसनेस ला दिया, तो फिर रेशियोज भी तो वैसे निकलेगी, क्योंकि रेशियोज में भी तो मैं वही डेटा यूज कर रहा हूँ। हाँ, इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। सर मतलब 10 साल पहले जो आपने एसेट परचेज किया, जैसे लैंड, आपको पता है लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, 1 करोड़ का लैंड परचेज किया, इतनी महंगाई बढ़ रही है आज की डेट में, वो 1 करोड़ का लैंड शायद से 10 करोड़ का होगा, लेकिन आप अपनी बैलेंस शीट में सिर्फ 1 करोड़ का दिखाते हो, इसका मतलब प्राइस लेवल चेंज को तो आप ले ही नहीं रहे हो, ये सुनो। अब अगर मैं मान लो टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालूंगा, क्या वो सही निकलेगी? नहीं निकलेगी, क्योंकि टोटल एसेट में आपकी लैंड आ रही होगी जो 1 करोड़ की है, क्या वो एक्चुअली में आज 1 करोड़ की है? सर बिल्कुल भी नहीं। ये सुनो, देखो फटाफट से, आ जाओ क्या बोल रहा है, द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। हाँ सर, ये बोल रहा है हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि प्राइस लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करते, बिल्कुल सही, लेकिन ऐसा तो नहीं है, नहीं भाई, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, राइट, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज, बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है सर, उसमें आपके चेंजेस होंगे, जो 100 रुपए पहले के थे, जो 100 रुपए में आप चीजें खरीदते थे 10 साल पहले, क्या आज वो 100 रुपए में खरीद सकते हो? नहीं। तो क्या लिखा है, पावर ऑफ मनी सर कम हो जाती है ना, 100 रुपए जो पहले के थे सर आज के कम हो जाएंगे, 100 रुपए में पहले जो चीज आती थी वो आज कम आएगी, बिल्कुल सही है ना। तो ये सब क्या है, प्राइस लेवल चेंजेस, और क्योंकि हमारा अकाउंटिंग क्या करता है सर, प्राइस लेवल को इग्नोर कर देता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बन जाती है, कहीं ना कहीं मीनिंगलेस, दिक्कत वाली बात है ना। ये सुनो, इंप्रूवमेंट हो रही है, ऑफकोर्स हो रही है, राइट, आ जाओ। उसके बाद अगेन ये आपने सबने पढ़ा होगा, क्वालिटेटिव और नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को इग्नोर करते हैं। बिजनेस चल रहा है एम्प्लॉयज की वजह से, एम्प्लॉयज की कॉम्पिटेंस की वजह से, उनकी स्किल्स की वजह से, वो कोई देखता ही नहीं है सर, कोई नहीं देख रहा, बिल्कुल भी नहीं। वो कहीं रिकॉर्ड हो रहा है क्या? नहीं, कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। हाँ जी, बिजनेस मैनेजमेंट के डिसीजन पे बहुत इंपैक्ट आता है, मैनेजमेंट का जो डिसीजन होते हैं उनका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है आपके बिजनेस पे। ये कहीं दिखता थोड़ी है, कहीं नहीं दिखता सर। बिजनेस अगर फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिसीजंस खराब लिए गए थे, वो कहीं दिख रहा है क्या? वो कहीं नहीं दिख रहा है। उसके बाद वेरिएशंस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सर बहुत ही सही पॉइंट है, ठीक है, और ये आपके स्टडी मैट कह रहा हूं, आपके स्टडी मटेरियल, अरे जो एनसीईआरटी है उसमें गिवन है। हाँ, दूसरी बात, आपका जो सैंपल पेपर आया है उसमें यही वाला पॉइंट गिवन है, अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला। आ जाओ सर, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब अगेन वही जो पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया, क्या किया कि यार एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करने के लिए बहुत अलग अलग ऑप्शंस हैं। डेप्रिसिएशन को करने का अलग ऑप्शन है, हाँ, इन्वेंट्री को करने का अलग है, प्रोविजन करने का अलग है, हाँ, क्योंकि मैं अपनी जजमेंट यूज कर रहा हूँ, मैं कोई और मेथड यूज कर रहा हूँ, हाँ, कोई कंपनी दूसरा मेथड यूज कर रही है। अब क्योंकि हम अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग है, मैं डेप्रिसिएशन WDV से लगा रहा हूँ, वो SLM से लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा डेटा कंपैरिजन वाला नहीं बनता है। कंपैरिजन के लिए आपका बेस सेम होना चाहिए, अकाउंटिंग प्रैक्टिस अलग है, पॉलिसीज अलग है, तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन सही नहीं होगा, हाँ या ना। रेशियोज में अगर कंपेयर करूंगा तो सही होगा क्या? नहीं होगा। देखो ध्यान से, देयर आर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही, एटसेट्रा। हाँ, नाउ दीज वेरिएशंस लीव अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द एनालिसिस। क्यों सर? क्योंकि हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस अगेन अलग अलग फॉलो कर रहे हैं, मैं अलग फॉलो कर रहा हूँ, कोई और अलग फॉलो कर रहा है, यस नो? तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, अ वैलिड कंपैरिजन ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल।
बेस सेम नहीं है ना यार, पॉलिसीज अलग है, प्रैक्टिस अलग है, अलग मेथड यूज कर रहे हैं, तो कंपैरिजन वो ज्यादा वैल्यूएबल होता नहीं है, ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होता, ठीक है। देन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फोरकास्टिंग। सर फोरकास्टिंग लिमिटेशन में आ गया, हाँ जी एडवांटेजेस में भी था, हाँ बिल्कुल था। देखो सेम पॉइंट लिमिटेशन एडवांटेजेस में कई बार होते हैं। अब फोरकास्टिंग क्या बोल रहा है, देखो जो आप बोल रहे हो ना कि फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग, अरे छोड़ो फोरकास्टिंग कैसे कर रहे हो बेटा, फोरकास्टिंग आप कर रहे हो पिछले डेटा के बेस पे, लेकिन फ्यूचर जो है ना वो बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है, चेंजिंग। आज की डेट में अगर आप देखोगे कितना चेंज हो रहा है, यस और नो, राइट। तो फोरकास्टिंग करने के लिए सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा काम नहीं आता है, बहुत और सारे फैक्टर्स भी काम में आते हैं जो आपको अकाउंटिंग से या रेशियो एनालिसिस से पता नहीं चलते हैं। ये सुनो, हमारी इकोनॉमी इतनी फास्ट चेंज हो रही है, यस सर, 2018 में कहाँ आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे थे क्या, नहीं है ना, 2015 में यूट्यूब कोई नहीं देख रहा था क्योंकि इंटरनेट ही नहीं था, तो चेंज हो रही है बहुत ज़्यादा। तो फोरकास्ट करने के लिए सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा काम में नहीं आता है, बिल्कुल सही। देखो फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एनालिसिस इज नॉट फिजिबल, सिर्फ हिस्टोरिकल एनालिसिस करने से, पुराना डेटा को देखने से फोरकास्टिंग प्रॉपरली नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको बहुत सारे और फैक्टर्स भी कंसिडर करने होते हैं, ठीक है सर। सारे पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ऑल राइट, अब देखो अब ये क्या है, अब एनसीईआरटी में जो दिया है मैंने आपको वही पढ़ाया। देखो उसके बाद बोल रहा है, नाउ जो अभी हमने पढ़े हैं वो मेनली आपने कौन से लिमिटेशंस पढ़े हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से लिमिटेशन थे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही खराब थी तो रेशियो एनालिसिस भी खराब हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस के प्रॉपर लिमिटेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से नहीं है। पहला, मींस एंड नॉट द एंड, जो मैंने आपको पढ़ाया। सर रेशियोज जो है ना, रेशियोज आपको सिर्फ हेल्प कर सकती है क्या करने को, सिर्फ ये बताने को कि ये गड़बड़ी है ना, ये गड़बड़ी है, ये आपका गलत चल रहा है, अरे उसको सही कैसे करें, क्या रेशियो एनालिसिस से आपको पता चलता है क्या, नहीं। आपको सॉल्यूशन नहीं बताती है वो, नहीं सर सॉल्यूशन नहीं बताती है। आपने एनालिसिस कर दिया, हाँ सर कर दिया, आपने डेट इक्विटी रेशियो निकाल दिया, मान लो डेट इक्विटी रेशियो आपकी बहुत ज्यादा आ रही है, आइडियल रेशियो मान लेते हैं 2:1 है, हाँ आपकी 10:1 आ रही है, तो आपको पता चल गया, ठीक है सर पता चल गया कि दिक्कत है, अरे उस दिक्कत को सही कैसे करना है, क्या रेशियो एनालिसिस आपको बता रही है, नहीं सर। ओके बात, उसके बाद लैक ऑफ एबिलिटी टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, वही पॉइंट आ गया कहीं ना कहीं ये क्या आ गया सर, वही पॉइंट आ गया कि ये सिर्फ आपको बताते हैं, ये विसल ब्लोअर है, ये आपको सोल्यूशन नहीं बताते। तो बेसिकली 6th और 7th पॉइंट कनेक्टेड, दोनों क्या है सर, कनेक्टेड है, हाँ जी बिल्कुल। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन, सर मतलब कई बार ऐसा होता है, जैसे आपको आपने भी देखा होगा कि जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको काफी कंफ्यूजन हुई कि भाई एक्चुअली में उसका फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सही, कहीं उसका प्रॉपर फॉर्मूला डिराइव नहीं किया। करंट लाइबिलिटी में क्या सारी करंट लाइबिलिटी लेनी है, ये कहीं डिफाइन नहीं है। कई बार प्रैक्टिकली भी कंफ्यूजन होती है सर, क्या होती है कि समटाइम्स इट रेफर्स टू करंट लाइबिलिटी, अच्छा सर मतलब करंट लाइबिलिटी में कई बार बैंक ओवरड्राफ्ट को लें या ना लें, ये हमको कंफ्यूजन होती है, क्योंकि वो बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, हाँ तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस क्या मुझे करंट लाइबिलिटी में लेना है या एसेट में नेगेटिव अमाउंट में लेना है, तो कई बार ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि कहीं पे डिफाइन नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि रेशियो एनालिसिस करने के लिए प्रॉपर आपको गाइडलाइंस नहीं दे रखी है, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस नहीं दे रखी है, हाँ सर हाँ। उसके बाद यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लेवल्स, सर मतलब मान लेते हैं बहुत सारी ऐसी रेशियोज हैं जिनकी आइडियल रेशियो नहीं है, 3-4 की तो है बस, हाँ अब मुझे बताओ अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 10% आ रहा है तो ये 10% सही है, अच्छा है, बुरा है, भाई किससे कंपेयर करूं, कोई स्टैंडर्ड, सर स्टैंडर्ड लेवल नहीं है कि अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% आएगा तो कंपनी बढ़िया, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, है ना। तो भाई कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो सही है या गलत है। अब बाकी कंपनी से कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन बाकी कंपनीज का नेचर अलग होता है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका जो साइज है वो अलग होता है, तो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड लेवल हमको पता होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड रोड होनी चाहिए। देखो क्या लिखा है, नो यूनिवर्सल मेजरिंग रोड, हाँ विच स्पेसिफाइज द लेवल ऑफ आइडियल रेशियोज, आइडियल रेशियोज आपके पास प्रॉपरली है ही नहीं। अब जैसे टाटा की बात करें, उनकी जो लिक्विड रेशियो है वो काफी कम है, तो क्या टाटा खराब हो गई, गलत है ना ये तो, हाँ या ना। तो एक आइडियल रेशियो सबकी होनी चाहिए, हाँ सर सबकी होनी चाहिए, कि भाई इससे आप आराम से पता लगा सकते हो कि कंपनी सही है या बेकार है, वो अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद लास्ट है रेशियोज बेस्ड ऑन अनरिलेटेड फिगर्स, सर कहने का मतलब क्या है कि कई बार सिर्फ और सिर्फ कई लोग रेशियोज निकाल देते हैं दो ऐसे नंबर्स के बीच में जिनका कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है। सर रेशियोज हमने क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, अरे कोई भी दो नंबर के बीच में रेशियो निकाल दोगे तो क्या वो मीनिंगफुल होगा, नहीं,
ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला क्रेडिटर्स हैं 1 लाख के, फर्नीचर 1 लाख का, अगर मैं बोलूं इनका रेशियो 1:1 है, अरे ये क्या बता रहा है आपको कि 1 लाख के क्रेडिटर्स हैं 1 लाख के फर्नीचर है, कोई मीनिंगफुल डेफिनेशन है क्या? सर नहीं, सर नो रेलेवेंस। हाँ सर नो रेलेवेंस। तो कई बार ऐसी रेशियोज भी निकल जाती हैं सर जिनका वो रेलेवेंस होता ही नहीं है, यस और नो? तो बेटा मैंने आपको पूरा का पूरा रेशियोज की थ्योरी एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, आई गेस विद इन लेस देन 30 मिनट्स, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। नहीं, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप ये पीडीएफ पढ़ लोगे, ये वीडियो देख लोगे, तो रेशियोज का अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है आप आराम से कर लोगे। यस और नो मुझे जरूर बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब करेंगे। यार सेशन खत्म होने वाला है, मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियो देखें सिंपल सी बात है, राइट? मैं चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे अकाउंट्स मुझसे पढ़े, तो आपको शेयर करना है, आपको कमेंट करना है, आपको लाइक करना है, ताकि जो यूट्यूब है ये और भी बच्चों को ये वीडियो दिखाए। हेल्प हो जाए आपकी, आपकी हेल्प हो रही है? नहीं हो रही, हो रही है ना? हो रही है तो प्लीज आपको ये करना पड़ेगा। रेशियोज हो चुके हैं, हाँ अगर कैश फ्लो में मुझे लगेगा कि कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स आपको करवाने हैं तो मैं वो भी करवा दूंगा। बाकी अब आपको एमसीक्यूज 3 मार्कर 4 मार्कर मिलते रहेंगे। यहाँ पे थ्योरी वाली जो सीरीज है वो मेरी कंप्लीट होती है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, सारे के सारे चैप्टर्स की आपको मिल जाएगी थ्योरी। तो कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने इस साल, ये सुनो राइट? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, बस कुछ दिन है, उसके बाद बहुत मौज मस्ती होने वाली है, ठीक है? मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखेंगे, बाय बाय, टेक केयर।